Hello student, good morning to everyone. B.Ed second year subject pedagogy of economics. जैसा कि आपको मालूम है कि आज से आपकी B.Ed second year की क्लासें स्टार्ट होंगी, तो आज अपन अपना जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत अपन B.Ed second year के अंतर्गत पैडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स वाले पेपर के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत. तो अपना सब्जेक्ट है पैडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है. तो इसके अंतर्गत अपना पेपर कोड कौन सा है, वो पेपर कोड होगा 9218, ठीक है. तो B.Ed second year क्लास सब्जेक्ट पैडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स वाला जो पेपर है उसका पेपर कोड हो जाएगा अपना सेकेंड ईयर में 9218. तो आज अपन चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम के बारे में. तो B.Ed second year का पाठ्यक्रम क्या है उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में आपको बताऊंगा, पाठ्यक्रम में समझाऊंगा, मतलब लिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको समझ में आएगा कि हम इस B.Ed second year का अंतर्गत जो पैडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स वाला जो पेपर है इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं पैडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स इसके अंतर्गत B.Ed second year के अंतर्गत पाठ्यक्रम, ठीक है. तो आज अपना पाठ्यक्रम जिसके अंतर्गत आपको पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितनी यूनिट में बटा हुआ है, आपका ये पाठ्यक्रम 3 यूनिट में बटा हुआ है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो अपन फर्स्ट यूनिट माध्यमिक
माध्यमिक यानी राष्ट्र बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड की जो माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तक है माध्यमिक स्तर पर उच्च माध्यमिक स्तर पर उन पाठ्य पुस्तकों में क्या कमी है उनके आलोचना को व्याख्या करेंगे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन फिर आता है अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम में नवीन प्रवृत्ति यानी अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी बातें बनी हुई उनके अंतर्गत नई चीजों का समावेश किया जाए नवीन तथ्यों को जोड़ा जाए यानी पाठ्यक्रम कैसा हो वर्तमान से संबंधित हो न कि पुरानी कथाओं से संबंधित प्राचीन से संबंधित हो जो बोरिंग होता है तो वर्तमान से संबंधित होगा फ्यूचर से संबंधित होगा तो बच्चे के लिए कैसा होगा महत्वपूर्ण होगा और वो उसमें सीखने में रुचि लेगा। तो पाठ्यक्रम में क्या होगा समय समय पर नवीन प्रवृत्तियों का समावेश किया जाना चाहिए नवीन नवीन तथ्यों को जोड़ना चाहिए ठीक है। फिर आता है इसके अंदर फोर्थ पॉइंट पाठ्यक्रम के गुण एवं महत्व फिर आता है आपका फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत फोर्थ पॉइंट आता है आपका कि अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक है ना अर्थशास्त्र संबंधित जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक एक अच्छी पाठ्य पुस्तक यानी विषय से संबंधित एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता होनी चाहिए उसके क्या गुण होने चाहिए उसका महत्व क्या है हमारे जीवन तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे ये फोर्थ चैप्टर में है ना। जो फर्स्ट यूनिट है इसमें फोर्थ चैप्टर में हम पाठ्य पुस्तक की गुण उनके महत्व उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे ठीक। फिर आता था फिर पॉइंट
उच्च माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र पाठ्य पुस्तक की समीक्षा ठीक है। तो सर क्या जाएगा फिफ्थ पॉइंट है सेकंड सॉरी फर्स्ट यूनिट से संबंधित फिफ्थ पॉइंट के अंतर्गत आता है आपका माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक यानी सेकंड ईयर हाई सेकेंडरी लेवल। उसका अगर अपन अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक उसकी समीक्षा करेंगे किन किन चीज़ों का समावेश होगा उनकी समीक्षा कर लेना ठीक है। तो इन चीज़ों में जाने तो ये था आपका अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर पाँच पॉइंट है अंतर्गत फर्स्ट यूनिट कम्प्लीट हो जाती है इन पाँचों पॉइंटों के अंतर्गत हम विस्तार से अध्ययन करेंगे ठीक है। तो ये था आज आपका फर्स्ट यूनिट अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन इससे आगे सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट उससे संबंधित मैं आपको पाठ्यक्रम दिखा दूँगा। तो आपको आज फर्स्ट यूनिट का पाठ्यक्रम दिखा दिया तो आपको ये अपने नोट के अंतर्गत ये पाठ्यक्रम को आपको नोट करना है जो आपको पूरे साल काम आगे से अपन इन इन चीज़ों के विषय में चर्चा करेंगे ठीक है। ओके स्टूडेंट अपना पता रखें और होमवर्क के अंतर्गत आपको यही क्वेश्चन दे दिया है कि आपको क्या करना है ये पाठ्य जो भी आपके कौन विषय का पाठ्यक्रम लिखाया गया है सेकेंड ईयर का इसको आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट धन्यवाद।